हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और एक नई डिज़ाइन के साथ न्यू वीडियो लेके आई हूँ। एक थाल पोश की डिज़ाइन है, मल्टी कलर में, जो नॉर्मल हमारा ऊल आता है उससे बनाई है। और एक खूबसूरत सा टेबल डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, या टेबल कवर भी आप इससे बना सकते हो। जो उलन है मैंने ओसवाल का यूज़ किया है, लोकल मार्केट से, कुछ 5-6 रुपये का एक आता है 25 ग्राम वाला। जो भी उलन की इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं। स्टार्ट करते हैं। जो फ्लावर है, जो फूल है बीच वाला, उससे यहाँ पे मैं रिंग फिंगर वाला फ्लावर से बनाऊंगी। इसमें आपको पहले एक उंगली पे कम से कम 18-20 राउंड लगा दीजिएगा, और उसके बाद इस तरह से धागे को निकाल के बस सिंगल क्रोशिया बनानी है। मतलब जितने हमने राउंड लगाए थे 20 बार मैंने, तो उन सबको एक साथ सिंगल क्रोशिया बनानी है। इससे क्या होगा कि एक शुरुआत हो जाएगी हमारे फ्लावर की, और बीच में आपको सिर्फ छोटे से चैन या सिंगल क्रोशिया नहीं दिखेगी, तो एक अच्छा सा सेंटर पॉइंट दिखेगा उस फूल का। तो ये थोड़ा सा अलग है नॉर्मल जैसे बनाते उससे। यहाँ पे टोटल आपको 18 सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर एक पंखुड़ी के लिए हमें 3 सिंगल क्रोशिया की ज़रूरत है, तो 6 पंखुड़ियों वाला फ्लावर बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 18 बना दी। पहली वाली स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर की स्टिच है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है एक ही स्टिच में, और जो तीसरे नंबर की स्टिच है उसमें पहले एक डबल क्रोशिया बना दो, और उसी में ही फिर से आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से एक छोटी सी पंखुड़ी यहाँ पे बन गई। अभी दूसरी बताती हूँ। सिंगल क्रोशिया उसी वाले स्टिच में और एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाला जो स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर जो तीसरे नंबर का स्टिच है इसमें आपको पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है, और उसी में ही आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इससे वो पंखुड़ी जैसा आकार शेप उसको मिल जाएगा। इसी को फॉलो करना है आपको, और आगे जो पंखुड़ी है वो बनानी है। टोटल यहाँ पे मैंने 6 पंखुड़ियों का पैटर्न बनाया है। अगर आप बड़ा ताल पोज बनाना चाहते हो तो 7 पंखुड़ियों का बना सकते हैं। 6 नॉर्मल, एक बेसिक जो मीडियम डिज़ाइन होती है उसके 6 बना दिए। अब हम इस फूल का दूसरा लेयर बनाएंगे, तो दूसरे लेयर में भी मैं 6 पंखुड़ियाँ ही बना रही हूँ। तो जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी बस उसी में आपको 3 चैन बना के इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। मतलब जो आगे वाला दूसरा लेयर बन रहा है, जो दूसरा राउंड बन रहा है पंखुड़ियों का, तो उसके लिए बेस तैयार करने की यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। तो बस 3 चैन बनानी है, 1, 2, 3, और फिर जो सिंगल क्रोशिया है उसमें इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। तो टोटल 6 पंखुड़ियों वाला पैटर्न यहाँ पे बनाना है। तो 6 लूप भी बन जाएंगे 3-3 चैन के इस तरह से, ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके बाद पंखुड़ी बनेगी, क्योंकि दूसरा लेयर है तो हल्की सी आपको एक पंखुड़ी बड़ी बनानी है। तो सिंगल क्रोशिया पहले बना देंगे, और यहाँ पे अभी तो लूप बना हुआ है, तो सेम लूप में आपको और 5 डबल क्रोशिया बना देने हैं इस तरह से, और फिर ये 5 नंबर की डबल क्रोशिया, और 5 के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इससे एक पंखुड़ी जैसा शेप मिल जाएगा इसको। फिर आगे वाले लूप में पहले शुरुआत करेंगे सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के बाद आपके 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है, ये 3 नंबर की, फिर ये 4, और ये 5वें नंबर की डबल क्रोशिया, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बना देनी है। और इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, और जो 6 पंखुड़ियाँ बनानी है यहाँ पे भी आपकी 6 पंखुड़ियाँ बनेगी, ये देखिए इस तरह से। धागा जो है उसकी इन्फॉर्मेशन सब मैं कितना कौन से कलर का लगाए वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर सकते हो आप, कितना ग्राम लगा, कौन सा ऊल है, कितने साइज़ का है, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में वहाँ पे दे दूँगी। यहाँ पे हमारा सेकंड राउंड फ्लावर का पूरा हो चुका है। इसके बाद हम थर्ड राउंड बनाएंगे। पर थर्ड राउंड हमें क्या कैसे बनाना है, तो 2 पंखुड़ियों के बीच में बड़ी वाली पंखुड़ी बनानी है। पहले हमने क्या बनाया था, पहले और दूसरा राउंड एक के ऊपर ही एक बनाई थी, तो अब यहाँ पे मैंने बीच वाले डबल क्रोशिया में अटैच करके फिर यहाँ पे 4 चैन बनाई है, और फिर दूसरी वाली जो पंखुड़ी है उसके भी जो तीसरे नंबर का डबल क्रोशिया है उस वाले में
अटैच कर दिया है। इसके बाद फिर आपको चार चैन बनानी है, और ये जो तीसरे नंबर का डबल क्रोशा, जो पांच डबल क्रोशा हमने बनाए थे तो उसमें जो तीसरे नंबर का बीच वाला डबल क्रोशा है उसमें अटैच करके इस तरह से छह लूप हमने यहाँ पे बना दिए। अब इसके बाद शुरुआत करेंगे, एक सिंगल क्रोशा पहले बना दो जो लूप बना है, इसके बाद दो डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है, सिंगल क्रोशिया के बाद दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया के बाद आपको दो ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ट्रिपल क्रोशिया में हुक के ऊपर आपको दो राउंड बनाने हैं और इस तरह से आपको ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो दो ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, इसके बाद आपको फिर से दो डबल क्रोशिया बनानी है, एक और ये दूसरी, और उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज़ का एक पंखुड़ी बन गई है। इसी तरह से आगे वाली बनानी है, शुरुआत सिंगल क्रोशिया, इसके बाद दो, ये एक और ये दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया के बाद दो आपको ट्रिपल क्रोशिया बनाने, एकदम हल्के हाथ से बनाइएगा, बिल्कुल भी इसको टाइट मत बनाइएगा और बहुत ढीला भी नहीं, नॉर्मल साइज़ में। इसके बाद दो डबल क्रोशिया, मतलब तीन, दो ट्रिपल क्रोशिया के बाद दो डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। जो पंखुड़ियाँ हैं वो भी हमारी छह ही बनेगी, बस थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होगी जो पहले दो शेप बनाए। ये देखिए खूबसूरत सा फ्लावर है, आप इस डिज़ाइन को और भी कहीं पे यूज़ कर सकते हो, जैसे होम डेकोर के लिए बना रहे हो, पर्दे बना रहे हो, या कोई तोरण वगैरह बना रहे हो उसके लिए भी ये फूल बना सकते हो। खूबसूरत से, सिंपल से, बहुत जल्दी बन जाते। अब इसके बाद हमारा जो तालपोश का आगे वाला लेयर है, जो फूल वाला पार्ट है, उसको बनाएंगे। तो जो ट्रिपल क्रोशिया वाली, उसमें मैंने अटैच कर दिया है इसको सिंगल क्रोशिया के बाद। इसके बाद आपको यहाँ पे तीन चैन बनानी है, और उसके बाद जो सिंगल क्रोशिया है ये देखिए यहाँ पे, तो वहाँ पे अटैच करके आपको छोटा वाला लूप बनाना है। मतलब यहाँ पे आपको एक पंखुड़ी के पीछे दो लूप बनाने हैं, तो छह पंखुड़ियाँ हैं तो यहाँ पे आप हमारे 12 लूप टोटल बनाने हैं। तो तीन तीन चैन के आपको एक एक लूप बनाना है, इस तरह से आपको टोटल 12 लूप बनाने हैं। तो जो एक पंखुड़ी है उसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिएगा और बीच में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दो, फिर तीन चैन बना दो और जो सिंगल क्रोशिया वाला कोने का है उसमें अटैच कर दो। तो इस तरह से हर एक पंखुड़ी में दो दो छोटे छोटे वाले लूप यहाँ पे बन जाएंगे। टोटल हमारे यहाँ पे 12 लूप बनने चाहिए। ये देखिए 12 लूप बन गए। अब यहाँ से हम आगे की तरफ धागे को लेंगे और जो मेन डिज़ाइन है या जो पैटर्न है उसको शुरुआत करेंगे। बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे समझ लो बाकी सब सेम ही है। पहले आपको तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया के बाद एक चैन और फिर तीन डबल क्रोशिया। यहाँ पे आप दो चैन भी बना सकते हो या एक चैन, दो चैन मैंने एक बनाई थी, बट आप दो के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक से शेप ले लेगा। फिर तीन डबल क्रोशिया, दो चैन, तीन डबल क्रोशिया एक लूप में, जो तीन चेन के एक एक लूप हमने बनाए थे उसमें आपको डिज़ाइन बनानी है कि तीन डबल क्रोशिया, एक चैन, तीन डबल क्रोशिया, और फिर बीच में चैन नहीं बनानी, डायरेक्ट जो आगे वाला लूप है उसको आपको डबल क्रोशिया के साथ ही अटैच कर देना है। तो उसमें भी हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक या दो चैन जो आपको सही लगे बना दो और उसके बाद तीन डबल क्रोशिया बना दो। इस तरह से आपको पूरा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट कर दो। इसके बाद ये राउंड तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद सेकेंड राउंड, उसमें भी आपको सेम वैसे ही बनाना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए पहले हमने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाए थे, अब यहाँ पे दो डबल क्रोशिया और जो बीच में हमने एक चैन बनाई थी या दो चैन आपने छोड़ी थी उसमें आपको पहले दो डबल क्रोशिया, इसके बाद दो चैन और उसी में ही फिर से आपको दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, और उसके बाद जो आगे वाले दो डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर एक एक करके दो डबल क्रोशिया बनाने, मतलब चार डबल क्रोशिया, दो चैन, चार डबल क्रोशिया। इसके बाद जो बीच वाली एक स्टिच है उसको छोड़ के फिर आपको आगे वाले स्टिच में दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, और फिर जो एक दो चैन आएगी उसमें आपको दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। इससे क्या होगा, जो पत्ते वाला आकार है हमारा, जो शेप आपने देखा है फोटो, उस तरह का थालपोश यहाँ पे शेप ले लेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है यहाँ पे कि दो डबल क्रोशिया, तो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया तो बननी है, जो बीच वाले जहाँ पे दो चैन हमने छोड़ी थी उसमें आपको दो डबल क्रोशिया,
दो चैन, ये देखिए यहाँ पे एक और ये दूसरी, इसके बाद आपको दो चैन बनानी है और फिर उसके बाद उसी में ही और दो डबल क्रोशिया बना देनी है। इसके बाद जो आगे वाले दो स्टिच हैं उनमें एक एक करके दो डबल क्रोशिया बनाने, मतलब चार बन जाएंगे। उसके बाद वाली एक छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड राउंड के लिए। बट यहाँ पे मैंने धागा जो है वो बदल दिया है। पहले हमने डार्क रेड कलर यूज़ किया था, अब इसमें थोड़ा सा लाइट शेड जो आता है लाल कलर का ही, उस शेड को मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं एक दो फ़ोटो भी शेयर करूँगी अलग अलग कलर शेड के साथ सेम डिज़ाइन में। आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद नहीं, मतलब कलर पसंद नहीं है, तो उनको भी यूज़ कर सकते हो आप। पैटर्न सेम रखिएगा, बस कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज। तो लास्ट में मैं फ़ोटो डाल दूँगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पैटर्न पे आते हैं। यहाँ पे आपको हर एक स्टिच में हर राउंड के साथ जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो बढ़ेगी। पहले चार बने थे, यहाँ पे हमारे पांच डबल क्रोशिया बनेंगे। पांच के बाद ये बीच वाली स्टिच है उसको छोड़ के जो आगे वाली है उसमें ज्वाइन करेंगे। फिर एक एक करके तीन डबल क्रोशिया पहले बना देंगे। तीन डबल क्रोशिया के बाद ये जो दो चैन बनी है उसमें आपको दो डबल क्रोशिया, इसके बाद दो चैन और उसी में ही फिर से दो डबल क्रोशिया, ये वाला पैटर्न बनाना है। ये दो डबल क्रोशिया के बाद आपको हर एक स्टिच में एक एक करके इस तरह से तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब सेकंड वाले राउंड में, सॉरी थर्ड वाले राउंड में यहाँ पे हमारे पांच डबल क्रोशिया, दो चैन, पांच डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनेगा। इसके बाद एक स्टिच छोड़ के फिर आगे वाला पैटर्न को कंटिन्यू करना है। बहुत सिंपल सा है। आपने एक दो राउंड समझ लिए कि हर एक राउंड के साथ जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो एक से बढ़ेगी, और जहाँ पे दो पैटर्न्स या दो पंखुड़िया या दो पत्ते हैं वो जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे आपको एक स्टिच छोड़नी है। इससे क्या होगा, वो डिज़ाइन एक प्रॉपर अपना शेप ले लेगी। वो आपको बाद में पता चलेगा दो चार पांच राउंड के बाद, बट शुरुआत इसी तरह से करनी है। ये हमारा तीसरे नंबर का राउंड ख़त्म हो गया। इसके बाद हम चौथे नंबर का राउंड शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने और एक लाइट शेड रेड कलर का यूज़ किया। आप पिंक कलर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। मेरे पास ये अवेलेबल था इसीलिए मैंने ये कलर यूज़ किया। बाकी डिज़ाइन सेम रखनी है, कलर बस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो पिंकिश रेड आता है वो यूज़ किया है, ना वो डायरेक्ट ज़्यादा पिंक होता है ना रेड होता है, ये मिक्स कलर है पिंक और रेड का। तो इसको फिर इस वाले राउंड में जो चौथे नंबर का है इसमें आपके छः डबल क्रोशिया आएंगे। छः के बाद जो बीच वाली स्टिच है उसको छोड़ देना है। फिर आगे वाले स्टिच में हर एक जितनी स्टिचेस है उसमें पहले एक एक करके आपको डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे चार बनेंगे और जो दो चैन वाला पैटर्न है उसमें आपके दो डबल क्रोशिया, मतलब चार और दो छः बनेंगे। इसके बाद दो चैन और फिर दूसरे साइड से आपको दो डबल क्रोशिया और आगे वाली चार स्टिचेस पे एक एक करके डबल क्रोशिया बनानी है। इससे क्या होगा कि पैटर्न सेम है। एक दो बार आप यहाँ पे देख लो प्रॉपरली, डिज़ाइन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल से डिज़ाइन है। बट ये कलर एक दूसरे के साथ इतने खूबसूरत लगते हैं और जो पैटर्न है वो इतना अच्छा लगता है कि फाइनल जब प्रोडक्ट देखते हो तो बहुत खूबसूरत लगता है। और इसीलिए मैं फिर से बना रही हूँ। ऑलरेडी मैंने बना चुकी थी तो काफ़ी फास्ट वीडियो था, काफ़ी लोगों ने उसको देखा, पसंद किया और मुझे कमेंट किया कि प्लीज़ थोड़ा सा स्लोली बताइएगा। और क्योंकि नई थी तब मैं यूट्यूब पे, और वीडियो पता नहीं थे किसने किस तरीके से बनानी चाहिए, लोगों को पसंद आए कि नहीं, इसीलिए इसको रिपीट कर रही हूँ। मुझे ये पर्सनली डिज़ाइन बहुत पसंद है। इसके बाद जो आपका फोर्थ राउंड है उस पर मुझे अटैच कर देना है वाइट कलर के साथ, जो अलग कलर के साथ शुरू होंगे। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर के साथ अटैच करके छः चैन बना दूँगी और फिर जो दूसरी वाली पंखुड़ी है उस पर आपको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। ये देखिए फोर्थ राउंड में अटैच कीजिएगा, वो याद रखिए पांच राउंड हमने बनाई है तो फोर्थ राउंड में आपको अटैच कर देना है। ये सिक्स वाला राउंड है जिसे सफ़ेद कलर के यान के साथ यूज़ किया है, तो ये छः नंबर के राउंड है। तो छः चैन बनाई हमने और हर एक जो दो डबल क्रोशिया, दो चैन डबल, दो डबल क्रोशिया वाले डबल क्रोशिया है वहाँ पे अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से
थोड़ा सा खिंचा हुआ लगेगा, पर इसी वजह से वो जो फ्लावर है उसको प्रॉपर एक शेप मिल जाएगा। ये देखिएगा, पहले जो एकदम अलग अलग दिख रहा था, ये अभी इसको बैक साइड से पैक होने की वजह से एक अच्छी तरह से शेप मिल गया। इसके बाद आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है, तो ये 7 नंबर का राउंड यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ इस वाले राउंड में आपको क्या करना है कि 5 डबल क्रोशिया बनानी है, इसके बाद 2 चैन बनानी है, और फिर से उसी में ही 5 और डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। ये हल्का सा वाइट कलर दिखेगा, शायद ये बैक साइड से है तो दिखेगा भी नहीं, बट जो आगे कलर हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ये बेसिक कलर है। अगर आपके पास सफ़ेद कलर है तो यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आप ग्रीन कलर के साथ भी इसको बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चैन, और फिर उसी वाले इसमें लूप में फिर से 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न यहाँ पे बनेगा। 5 डबल क्रोशिया के बाद आगे वाले में डायरेक्ट अटैच करना है, ये देखिएगा। अब पूरा राउंड मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है 7 नंबर का। इसके बाद हम 8 नंबर का राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने हरे कलर का धागा, बट ये हरा थोड़ा हल्का हरा जो आता है, एकदम डार्क वाला ग्रीन नहीं, लाइट ग्रीन, उसको यूज़ किया है। इसमें भी ग्रीन कलर में भी मैंने यहाँ पे 2 शेड यूज़ किए, एक जो लाइट ग्रीन है और एक डार्क ग्रीन है। तो लाइट ग्रीन के साथ शुरुआत करेंगे। अटैच जहाँ से करना है, जो आपको स्टिच छोड़नी है उसके बाद वाले में से। तो यहाँ पे पहले हमने 4 डबल क्रोशिया बना दी, और फिर जो 2 चैन थी उसमें आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न। तो यहाँ पे भी आप वैसे ही बना दो। फिर उसके बाद जो आगे, पहले हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इस वाले राउंड में हमारे 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। सिंपल है, हर एक राउंड के साथ आपका एक एक डबल क्रोशिया की संख्या जो है वो बढ़ेगी। वैसे मैंने वहाँ पे सबटाइटल भी दे चुकी हूँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं पे वो ठीक से दिख नहीं रहा या समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो सबटाइटल में अच्छे से दिखा हुआ है 6 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 6 डबल क्रोशिया, तो वो भी आप काउंट कर सकते हो अगर कहीं आपकी एक आधी छूट जाए। वो मेरे साथ भी होता रहता है कभी कभी कि पैटर्न में एक आधा डबल क्रोशिया छूट जाता है, वो नेक्स्ट राउंड में याद आता है, अरे इसमें तो ये छूट गया है, एक्स्ट्रा हो गया, तो फिर आगे वाले राउंड में उसको ठीक करना पड़ता है, क्योंकि फिर से सारा खोल दो, फिर से राउंड बनाओ। इससे अच्छा है कि उसमें थोड़ा जुगाड़ करके कर सकते हो आप, ये थोड़ा बहुत तो चलता है, उसमें कुछ है नहीं। जहाँ पे एकदम डिज़ाइन अलग हो जाएगी वहाँ पे आपको खोल के फिर से बनाना पड़ेगा, बट नॉर्मली इतना आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। इसके बाद जो आगे वाले स्टिचेस हैं उसमें आप डायरेक्ट अटैच कर दो, हर एक स्टिच में एक एक करके डबल क्रोशिया। फिर जो 2 चैन थी उसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनेगा। ये देखिए, 6 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस वाले राउंड को कंप्लीट करना है। ये हमारा 8 नंबर का राउंड था, और फिर 9 नंबर का राउंड भी आपको सेम उसी धागे से बनाना है। सिर्फ 9 नंबर के राउंड में आपके डबल क्रोशिया की जो संख्या है वो यहाँ पे 7 हो जाएगी, 7 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 7 डबल क्रोशिया। ठीक है, सेम पैटर्न है, सिर्फ कलर भी सेम है, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। इसके बाद आपका जो डार्क हरा कलर है, डार्क ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो उसका एक छोटा सा बता देती हूँ। अटैच यहाँ पे कीजिएगा, जहाँ पे स्टिच छोड़नी है उसके आगे वाली स्टिच में, और फिर आगे 6 स्टिचेस में एक एक करके डबल क्रोशिया बना दो, 4, ये 5, और उसके बाद ये 6 डबल क्रोशिया के बाद जो 2 चैन वाला लूप है उसमें आपको पहले 2 डबल क्रोशिया बनानी है, इसके बाद 2 चैन। ये देखिए, यहाँ से 8 डबल क्रोशिया बन गई। इसके बाद यहाँ पे आप दूसरे साइड से भी 8 बनानी है, बट उसके पहले 2 चैन बना दो, फिर 2 डबल क्रोशिया, और आगे वाले स्टिचेस में एक एक करके डबल क्रोशिया बना दो। तो टोटल आपको यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, 8 डबल क्रोशिया के बाद आपको ये 8 नंबर की, इसके बाद ये वाली स्टिच छोड़ के इसके आगे वाली जो स्टिच है उसमें आपको अटैच करना है। ये आपको शुरुआत से करना है, यहाँ पे मैं क्लियर दिखा रही हूँ, मैं भूल गई थी वहाँ पे आपको क्लियरली बताना, तो ये याद रखिएगा। इस तरह से बीच वाला जो स्टिच है उसको छोड़ देना है, और फिर आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है।
ये आपको फर्स्ट राउंड से फ्लावर के बाद जो हमने लाल कलर के साथ बनाए वहाँ से आपको इसी तरह से करना है। जैसे सिर्फ सफ़ेद कलर में नहीं करना, बाकी हर एक राउंड में आपको इसी तरह से बनाना है। फिर आगे वाले डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया बनेंगे, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। एक बार और देख लीजिएगा, ये देखिए 8 डबल क्रोशिया, 2 चैन 8 डबल क्रोशिया, ये छोड़ के आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पे अटैच कर दो। और इस वाले राउंड को भी इसी तरह से आपको कंप्लीट कर देना है। और सेम और एक यहाँ पे हम राउंड बना देंगे, जो हर एक डार्क हरा कलर है उसी के साथ और एक राउंड सेम इसमें, बस जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो 8 की बजाय 9 हो जाएंगी। और इसके बाद एक फिनिशिंग राउंड बनाएंगे काले कलर के साथ, इसमें आपकी जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो 10 हो जाएगी। और अब इसके बाद और एक राउंड बनाना है, वो ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं फ्रंट बॉक्स स्टिचेस। बॉक्स स्टिच मतलब जो चैन के दो सिरे होते हैं उसमें से जो चैन की एक साइड होती है, अगर आगे की साइड से हम लोग उसमें सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं तो इसको बोला जाता है फ्रंट बॉक्स स्टिच। और अगर हम पीछे वाले जो धागा है एक धागे में ही, नॉर्मल दो धागे में से डालते हैं हुक को, पर इसमें हम एक ही धागे में से डालेंगे, तो अगर शुरू पहले मतलब सामने वाले धागे से डाल रहे हैं तो ये फ्रंट हो जाएगा, अगर पीछे वाले धागे से डाल रहे हैं तो ये बैक हो जाएगा। तो आपको फ्रंट बॉक्स स्टिचेस बनानी है। और जो दो चैन वाला पैटर्न है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन एक सिंगल क्रोशिया, और फिर से आपकी जो आगे वाले स्टिचेस हैं उसमें बस एक एक धागे को मिला के बॉक्स स्टिचेस बनाने हैं। ये एक फिनिशिंग है, इससे प्रॉपर फिनिशिंग जैसा लुक आएगा। और मैं आगे बताऊंगी आपको कि ये इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाई क्यों है, क्योंकि जो आगे वाले पैटर्न है या आगे वाले जो राउंड है इसी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको दिखेगा कि प्रॉपर किस तरह से इस डिज़ाइन को अटैच किया हुआ है वो सिर्फ इसी वाले जो बॉक्स स्टिचेस हमने बनाए हैं उसकी वजह से। जो भी आगे की डिज़ाइन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। डिज़ाइन कंप्लीट है बट वो एडिटिंग में है, तो वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। तब तक आप ये पार्ट वन देख लो, पार्ट टू एक दो दिन में आ ही जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डिज़ाइन लगती है नहीं समझ में आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, मैं क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगी। अगर आप सेकंड वीडियो आने से पहले इसको देख के कमेंट करते हो तो मैं कोशिश करूँगी आपके सवाल के आंसर मैं सेकंड वीडियो में ऐड कर सकूँ। लास्ट में ये देखिए पीछे की तरफ से इस तरह से ये हुक दिखेगा निकला हुआ, एक 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 धागा, तो इसमें ही हमारे नेक्स्ट वाले जो राउंड्स हैं वो अटैच होंगे। तब तक ये देखिए यहाँ पर हमारा ये प्रॉपर अभी शेप नहीं दिख रहा, जब आगे वाले राउंड यहाँ पर अटैच। अब यहाँ से हम लोग फिर से वही रेड कलर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले फुल में लास्ट में यूज़ किया था। पहले से हम इसका जो बेस वाला पोर्शन है उसको बना देंगे। राउंड 13 तक हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, यह राउंड 14 से, तो जो पीछे फ्रंट बॉक्स स्टिचेस हमने बनाए थे उसमें आपके एक एक धागा पीछे की तरफ से छूटा था, या एक साइड जो चैन की आती है वो पीछे की तरफ से थी, तो उसमें आपको अटैच करना है सिंगल क्रोशिया और फिर बनाना है। और जहाँ पे ये जॉइंट पॉइंट है वहाँ पे आपको 4 स्टिचेस स्किप करनी है, और जो फिफ्थ नंबर का स्टिच है उसमें अटैच करना है। मतलब जो जॉइंट पॉइंट है दो इस तरफ से, उस जॉइंट पॉइंट के दो इस तरफ से, कुल 4 छोड़ दो स्टिचेस, और जो 5वीं नंबर की स्टिच है उसमें अटैच करके फिर आपको जस्ट नॉर्मल सिंगल क्रोशिया बनानी है हर एक स्टिच में। हमने इसीलिए बॉक्स स्टिचेस बनाए थे कि जब भी हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो ये बेस जो है वो आराम से पीछे की तरफ से बनेगा। तो ये आप जब पूरा तालपोश देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने नेक कैसे अटैच किया है। तो ये अटैच करने की जो टेक्निक है ये ऐसी है कि आपको पता ना चले और अलग दिखे। अब जहाँ पर यहाँ पर हमने दो सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके वाले के पीछे तो कोई स्टिचेस हमने नहीं रखी थी, तो यहाँ पे आप एक धागा लेके कहीं पे भी दो स्टिचेस बना दो, फिर बाकी तो सेम बनाना है आपको आगे जितने भी
स्टिच, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बस जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पे आपको फिर से चार स्टिच छोड़ने हैं, पर जॉइंट पॉइंट तक आपको हर एक स्टिच में एक एक बस सिंपल सा सिंगल क्रोशा बनाना है। एकदम ढीले हाथ से बनाइएगा क्योंकि उसके ऊपर लेयर आने वाले हैं। ये एक बेस्ट पॉइंट है कि कहाँ पे आपको बस इसको अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये जॉइंट पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपको चार छोड़ने हैं और पाँचवें नंबर का जो स्टिच है उसमें आपको डायरेक्ट अटैच करना है। तो चार कौन से छोड़ने हैं जॉइंट पॉइंट से, दो इस साइड दो इस साइड, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से हर एक स्टिच में एक एक करके आपको सिंगल क्रोशिया बना देना है और जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पे आपको दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बाकी उसी तरह से पूरा राउंड आपको इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। राउंड कंप्लीट होने के बाद ये प्रॉपर शेप ले लेगा क्योंकि हमने जॉइंट पॉइंट पे छोड़ दिया है, तो ये यहाँ पे आपको अलग से उसको शेप देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से जो पत्ते हमने बनाए थे हरे कलर के साथ उसको शेप मिल गया। अब ये 15 नंबर का राउंड है, इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको दो चेन बना के दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, इसके बाद आपको चार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये जब प्रॉपर पहले से शुरुआत होगा तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बट यहाँ पे हमने धागा वहाँ पे ज्वाइन कर दिया था तो वहाँ से मैं आप यहाँ तक समझ लो, आपका धागा जहाँ से ज्वाइन करोगे वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये जो मेरी डिज़ाइन है, ये जो पहला वाला पोर्शन है, अगर आपका एकदम सेंटर पॉइंट पे आता है तो आप नेक्स्ट इसके बाद वाला है वहाँ से शुरू कर सकते हैं, और बीच में कहीं आता है तो थोड़ा सा ध्यान से बना दीजिएगा। तो फिर आपको यहाँ पे चार डबल क्रोशिया के बाद तीन सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से हमारा एक पोर्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी तरफ से किस तरह से बनाना है वो देख लीजिए। तो पहले शुरुआत करेंगे, दो सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना देनी है, दो सिंगल क्रोशिया के बाद आपको चार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक, इसके बाद ये दूसरे, फिर ये तीन, तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाई है और ये चौथी डबल क्रोशिया। चार डबल क्रोशिया के बाद आपको चार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ट्रिपल क्रोशिया के लिए दो बार राउंड लेते हैं, तो ये एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर ये दूसरी ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद ये तीसरी ट्रिपल क्रोशिया और ये लास्ट में चौथे नंबर की ट्रिपल क्रोशिया। तो चार ट्रिपल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाई है जो बीच में सेंटर वाला पार्ट है। उसके बाद आपको चार डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है, दो, ये तीन और ये चौथे नंबर के, इसको डायरेक्ट लेना है। और उसके बाद आपको दो सिंगल क्रोशिया, एक और ये दो। इस तरह से आपका पूरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आपको दो सिंगल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, चार ट्रिपल क्रोशिया, फिर से चार डबल क्रोशिया, इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। और इस तरह से आपको पूरा जो शेप है जो वो गोल साइज़ में आ जाएगा, क्योंकि पत्तों की वजह से क्या हो गया था कि जहाँ पे जॉइंट पॉइंट है वहाँ पे कम हो गई थी साइज़, और जो कोने वाले ऊपर की तरफ आए थे वहाँ पे बढ़ गई थी। तो एक शेप में या गोल लाने के लिए हमने यहाँ पे कहीं सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया का इस्तेमाल करके इस राउंड को एक कम्प्लीट गोल लुक दे दिया है। ये देखिए, ये पीछे की तरफ से इस तरह से दिखेगा और ये आगे की तरफ से इस तरह से। अब इसके बाद जो लाल कलर का था, ये देखिए सेकंड लाल जो है मैंने पहले यूज़ किया, उसी कलर के साथ आप इसका दूसरा वाला राउंड बनाएंगे जो 16 नंबर का राउंड है। बहुत सिंपल सा है, कहीं पे भी आप इसको अटैच कर दो, दो चैन बना दो और उसके बाद हर एक स्टिच में बस एक एक करके डबल क्रोशिया बनाना है। एकदम नॉर्मल, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, कहीं पे कुछ छोड़ना नहीं है, सिंगल क्रोशिया नहीं, डबल क्रोशिया मतलब ट्रिपल क्रोशिया नहीं, कुछ नहीं। एक लेवल में हर एक स्टिच में आपको बस एक एक करके डबल क्रोशिया बनाना है स्टार्टिंग से एंड तक। इस तरह से इस राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, पर ध्यान से बनाइएगा, कहीं छोड़िएगा मत, हल्का सा थोड़ा ढीले हाथ से बनाइएगा। अगर टाइट बना देंगे इस वाले राउंड को तो फिर वो शेप जो है वो टाइट बन जाएगा, तो थोड़ा सा ढीला ढीला ही डबल क्रोशिया आप यहाँ पे बना दो। इसी को फॉलो करना है आपको और पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है इसी तरह से। इसके बाद जो 17 नंबर का राउंड है, 16 नंबर के जैसे ही आपको
17 नंबर का राउंड बनाना है। बस जो लाल कलर का धागा है, वो जो डार्क कलर मैंने यूज़ किया था स्टार्टिंग में येलो कलर के फूल के बाद, वो यहाँ पे आपको बनाना है। तो सेम उसी की तरह से और एक राउंड हमने 17 नंबर का बना दिया। अब 17 नंबर के राउंड के बाद आपको यहाँ पे 18 नंबर का राउंड बनाना है। इसमें जैसे हमने फ्रंट बॉक्स स्टिचेस बनाए थे, मतलब ये जो दो धागे होते हैं चैन के, तो उसके एक पहला वाला जो सामने वाला जो धागा आता है उसमें अगर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो इसको फ्रंट बॉक्स स्टिचेस बोलते हैं, और अगर हम पीछे की तरफ से धागे में इसको बनाते हैं तो इसको बैक बॉक्स स्टिचेस बोलते हैं, और डायरेक्ट दोनों धागे बना के बनाते हैं तो सिंपल सिंगल क्रोशिया इसको बोला जाता है। तो आपको पहले वाले धागे से बनाना है, ये देखिए इस तरह से। तो एक पूरा कंप्लीट यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया के साथ राउंड बना दिया है। अब इसके बाद अगर हम पीछे की तरफ से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक 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 करके हर जगह पे एक एक छूट गया। अब ये आगे वाला राउंड है, सेम धागे के साथ बनाना है, और ये जो पीछे से हमने एक धागा छोड़ा था उसमें पहले अटैच कर दो, फिर दो चैन बना दो, और फिर आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बना देना है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेंज है, पहले आप यहाँ पे एक एक करके तीन डबल क्रोशिया बना दो, और जो चौथे नंबर का स्टिच है उसमें आपको दो डबल क्रोशिया बनानी है, याद रखिएगा, एक दो तीन, और इसमें दो दो के बाद आपको दो चैन बनानी है, और उसके आगे वाला जो स्टिच है उसमें फिर से आपको दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये दो। इसके बाद जो आगे वाले तीन हैं उसमें आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक ये, इसके बाद ये दो और ये तीन। तो इस तरह से आपको एक पैटर्न ऐसे बना देना है। फिर हम सेम उसी तरह से आगे, फिर आप तीन सिंगल क्रोशिया, मतलब एक एक डबल क्रोशिया बना दो एक स्टिच में एक ही, और जो चौथे नंबर की स्टिच है उसमें आपको दो डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाने हैं। इसके बाद दो डबल क्रोशिया के बाद दो चैन बनानी है, इसके आगे वाले में फिर से आपको दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये दो, और उसके बाद जो तीन स्टिच है उसमें आपको एक एक करके तीन डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए पैटर्न आप समझ गए, ये इस तरह से आपको पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है, और ये जो राउंड है इसको कंप्लीट कर लो। राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो लाइट शेड वाला धागा था उसका इस्तेमाल करूँगी मैं, ये वाला जो हमने, ये देखिए अब यहाँ इसको भी आप कहीं पर अटैच कर सकते हो, बट इसको भी हम थोड़ा सा वो फ्लावर की जैसी जो पंखुड़ियाँ बनाई थी उसी शेप में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो जॉइंट पॉइंट है या दो पैटर्न को जहाँ पे जॉइंट करता है वहाँ पे अटैच कर दी है पिन, और फिर इसके बाद हर एक स्टिच में एक एक करके डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेगा, और जो दो चैन छोड़ी थी हमने रिपीट जैसे पहले हमने बनाया वैसे ही बनाना है। यहाँ पे भी पहले दो डबल क्रोशिया बना दो, फिर उसी में ही दो चैन, और सेम उसी दो चैन में ही फिर से दो डबल क्रोशिया, मतलब दो डबल क्रोशिया दो चैन, दो डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनेगा। इसके बाद फिर से आपको चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो ये तीन, और उसके बाद ये चार, टोटल हमने यहाँ पे छः डबल क्रोशिया बना दिए हैं। इसके बाद आपको ये वाला स्टिच छोड़ना है, छः डबल क्रोशिया के बाद ये जो उसके आगे वाले स्टिच में इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है, फिर आगे वाले स्टिच में एक एक करके पहले चार डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दो, और जो दो चैन वाला, ये देखिए फिर दो चैन है उसमें आपको पहले दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो, इसके बाद दो चैन, एक दो, और उसी में ही फिर से आपको दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये दो। इस तरह से आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक बार और देख लीजिएगा, पहले आप यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बना दो, मतलब हर एक स्टिच में एक एक करके इस तरह से आपको चार बनाने हैं, पूरे हमारे छः हो जाएंगे, छः इस साइड छः इस साइड, फिर एक छोड़ के आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बना दी है। इसी पैटर्न को फॉलो करना है और इस राउंड को आपको कंप्लीट कर देना है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, आप जितना लंबा चाहिए उतना आप इसको बढ़ा सकते हो। सेम पैटर्न में बीच में बढ़ाना है, जॉइंट पॉइंट पे आपको एक एक छोड़ना है, जितना लंबा चाहते हो उतना कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है। अब यहाँ पर मैंने जो येलो कलर के धागे के साथ हमने फूल बनाया था उसी धागे के साथ
यहाँ पे एक बॉर्डर बना के एक फिनिशिंग लुक दे देंगे सिंपल सा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस हर एक स्टिच में एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाना है। नॉर्मल सिंगल क्रोशिया जो हम बनाते हैं उसी तरह से एक एक करके आप बस हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना दो। और ये दो दो चैन वाला पैटर्न है उसमें एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बना लो। बाकी फिर हर एक स्टिच में एक 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 करके सिंगल क्रोशिया आपको यहाँ पे बना देनी है। जैसे हम बीच वाले राउंड में सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, यहाँ पे जॉइंट पॉइंट पे छोड़ दीजिए एक स्टिच और आगे वाले पॉइंट में सिंगल क्रोशिया बना दे, बस इतना ही करना है आपको, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। सेम जैसे बीच वाले फ्लावर में हमने येलो कलर के साथ बॉर्डर बना दी है, वैसे आप लास्ट वाला जो फूल है उसमें भी आप कर सकते हो। मैंने दो लेयर ही यहाँ पे बनाए हैं, आप चाहो तो चार पांच लेयर जितना आपको, ये काफ़ी इनफ 20 इंच की है, आप 22 24 इंच तक भी इसको बढ़ा सकते हो। तो जैसे मैंने कहा और तीन चार राउंड आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अगर आपको और थोड़े बड़े साइज़ में चाहिए तो। मेरे लिए ये साइज़ इनफ है, एक नॉर्मल साइज़ है जो नॉर्मल थाल आती है उसके लिए यूज़ है। जो उलन की इन्फॉर्मेशन है कितना उल मुझे लगा है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर दीजिएगा। पार्ट वन की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पूरा राउंड ये देखिए एक कंप्लीट लुक आ जाता है जब हम इसको बॉर्डर बना देते हैं। अगर बिना बॉर्डर का रखती तो एक कम्प्लीट लुक नहीं दे पाता। ये मुझे टेबल कवर के लिए चाहिए था, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है तो चेक कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।